हाईम असलम यूवर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब ठीक होंगे तो, तो जनाब ये देखें ये है आयत और आयत हुई है रेडी क्योंकि हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ और आ जा रहा है मेरा भाई लेने रिक्शे पे नहीं जा रहे हैं हम लोग भाई ने बोला था कि मैं लेने आता हूँ मैंने नहीं जाना था तो अचानक से उसकी कॉल आई थी कि नहीं भैया आ जाओ घर पर क्या करना है ये वो नहीं तो मैंने कहा फिर लेने आ जाओ तो वो लेने आ रहा है मुझे बाइक पर तो कश्यप और मैं जा रहा हूँ ये रेडी हुई है मैडम चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन के बैंगल्स पहन के रिंग्स पहन के रिंग्स दिखाओ भाई अपनी ये आयत की रिंग्स हैं ठीक है ये यूनिकॉन वाली है और ये कोई थ्री डी रिंग्स हैं इसकी कौन सी है ये वाली ये भी यूनिकॉन है ये भी यूनिकॉन है ये पिंक है ये रेड है और ये येलो है इस तरह इसकी रिंग्स हैं और ये बैंगल्स हैं और ये आयत का नेकलेस है नेकलेस दिखाओ वाओ सो क्यूट ये देखें जी ये ने, नेकलेस है इसका और वो ऊपर आयत है और आयत बड़ी शरारती है तो दानी मामू आ गए हैं वाली कह रहा आ गया दानी मामू जाओ तो चलो हम लोग निकलते हैं निकलते। जी तो आज हम रिक्शे पर नहीं गए थे भाई के साथ गए थे भाई आ गए थे हमें लेने के लिए तो घर मैं आपकी तैयारी दिखा रही थी आपको उसके बाद हम निकल गए थे फिर थोड़ी सी रास्ते में मैंने हल्की हल्की सी रिकॉर्डिंग की थी हमें बस और मैं कश्यप राय थी गए थे वाली तो जाता नहीं है तो वो घर पर था अपने बाबा के पास तो उधर गए हम लोग फिर अमी की तरफ ना काफ़ी मतलब मैंने जाना नहीं था काफ़ी दिन हो गए हुए थे गए हुए तो प्रोग्राम कोई नहीं था अचानक से भाई की कॉल आई थी तो अचानक से कह रहा था कि आना तो मैंने कहा नहीं तो कहता नहीं लगा लो चक्कर कितने दिन हो गया तुम तो लोग नहीं आए ना दो एक दो संडे हो गया तो मैंने कहा चलो ठीक है तो वो कह रहा था मैं खुद ही लेने आता हूँ मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊँगी नहीं चलो मैं लेने आ जाता हूँ मैंने कहा ठीक है क्योंकि उसको पता था कि शायद मैं रिक्शे पे ना आऊँ या मैं उसको बोल दूँ कि आ जाऊँगी लेकिन मैं ना आ जाऊँ तो वो फिर खुद ही लेने हमें आ गया था तो फिर ऐसे ही बस ना तैयार होके हम लोग बैठे हुए थे फिर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी भली आखिर मुझे कह रहा था मामा भाई मामा आ, आ गए हैं बाहर आप लोग चले जाएं नहीं तो भली अक्सर रिक्शा ला देता फिर हम रिक्शे पे बैठ के चले जाते हैं तो ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है घर पे कुछ ज्यादा होता नहीं है अब दिन छोटे हैं शाम ऐसी पड़ जाती है सुबह उठ के बस का घर का काम करते करते है जो है ना रात पड़ जाती है और ऐसे ही देरा हो जाता है अभी घर के काम नहीं ख़त्म होते तो फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से ट्यूशन से तो वैसे सारा दिन बस गुजर जाता है तो ये मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रास्ते में से करती जा रही थी ये देखें ये अम्मी के मोहल्ले का एरिया है और यहाँ पे कुछ लोग वगैरह थे और ये बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे उनके ना घर के अस हमने अपोज़िट ना ग्राउंड है तो यहाँ पे बच्चे वगैरह खेलते हैं तो रात के टाइम भी और वैसे भी ना संडे आज तो बाद बच्चे बहुत ज़्यादा थे तो ये मैंने को बोला था रिकॉर्डिंग करने के लिए लेकिन उसको ना मतलब बाहर गली बच्चे ज़्यादा थे तो वो खड़ी नहीं हुई फिर ज़्यादा मैं खुद चली गई थी खड़े होने के लिए तो कोई शाम उसको खड़ा नहीं होने दे रहा था कह रहा था तुम चलो अंदर तो मैंने खुद कहा मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्डिंग करते हुए ये हादी साहब है हादी साहब बातें कर रहे थे कहा था मैं बातें करूँ मैंने कहा तुम करो बातें तो फिर इस तरह बस थोड़ा देर गली में मैं खड़ी रही थी बच्चों की रिकॉर्डिंग वगैरह कर करी फिर बच्चे खेल रहे थे आज भी खेल रही थी यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए अच्छी जगह है और ये है कि सेव है यहाँ पे कोई दूसरा बाहर का बंदा नहीं आता जिनके घर है ना बस वही लोग होते हैं और वही लोग खेलते हैं सामने बच्चा गिर गया था बाइक समेत बाइक भी उसके ऊपर गिर गई थी तो फिर इस तरह सारे बच्चे खेल रहे थे आज गली में तो बच्चे कम है लेकिन इससे भी ज़्यादा बच्चे होते हैं लेकिन आज थोड़े कम ही थे पता नहीं क्या रीज़न है इसके पीछे हमारे ना एक्चुअली जो आसपास घर है ना वो सारे खुद के ही हैं तो वो कुछ लोग गए हुए थे कहीं पे संडे था आज तो जैसे मैं अपनी वालदा की तरफ आई हूँ ना वो लोग भी गए हुए थे ये सामने मैं बैठी हुई हूँ और मैंने बनाई थी जाकर उधर बिरयानी भाई कह रहा था बिरयानी बनाओ तो मैंने कशो खोला थोड़ी रिकॉर्डिंग करो तो उसने मैंने उसको बोला कि मेरा फेस नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं कभी किसी के मतलब अभी यूट्यूब पर फेस मैंने शो नहीं किया तो फिर उसने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी इसी तरह तो ये भाई बैठा हुआ बच्चे सारे ना बिरयानी के वेट में थे और मैं रिकॉर्डिंग करती जा रही थी तो वो मुझे कह रहे थे कि बस कर दे हमें बड़ी भूख लगी हुई है अब रिकॉर्डिंग छोड़ के ना तो हमें खाना दे लो क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो गया हुआ था तीन बज गए हुए थे एक साइड पे भाभी बैठी हुई थी ये यहाँ पे और ये इसका छोटा बेटा उसकी गोदी में बैठा हुआ था अहमद साहब तो बस फिर मैंने खाना डालना शुरू किया सबको खाना डाल के दिया बारी बारी और सब लोगों ने फिर हमें खाना खाया हेल्दी मुझे बोल रहा था कि भाई बस करो बंद करो अब हमने खाना खाना मुझे कह रहा था चले बंद करें तो मैंने बंद कर दिया फिर उसके बाद भाई को ना कड़ी पकौड़े का शौक चढ़ गया था वो कह रहा था कड़ी पकौड़ा बनाओ फिर मैंने कड़ी बनाई उनके पकौड़े वगैरह निकाल के रखे और कड़ी को ऊपर रखा ये भी एक बड़ा टाइम लॉन्ग प्रोसीजर होता है टाइम लग जाता है काफ़ी लेकिन ये था फिर मुझे कड़ी बनाते बहुत वहाँ प्य बजे ऐसे मैंने छः बजे तक घर आ जाना था लेकिन ये पकौड़े बनाते हुए और कड़ी बनाते और बस इतना टाइम हो गया आठ बज गए थे मुझे घर आते आते ही फिर ये था कि भाई मुझे कह रहा था बना लो तो खुद घर भी ले जाना साथ में तो सुबह जो है ना खा लेना या बाद में खा लेना हम लोग भी बाद में खाएंगे तो मैंने कहा चलो ठीक है ये मेरा पर्स पड़ा हुआ है पास में और ये बिरयानी ना हमने जो बनाई थी वो अलग से ये अलग से बिरयानी थी ये अम्मी किसी के घर पर भी लाद पर गई हुई थी तो वहाँ पर वहाँ से लेके आई थी साथ वालों के घर से बिरयानी उन्होंने भेजी थी तो तुम्हें मुझे कह रहे थे जाते हुए घर ले जाना क्योंकि हमने तो ऑलरेडी बिरयानी बनाई हुई है तो तुम ये वाली घर ले जाना मैंने कहा चलो ठीक है तो उन्होंने वही बोल उठा के शॉपर में डाल दिया था मैंने कड़ी ऊपर रखी हुई थी कड़ने के लिए साथ पकड़े मैं निकाल चुकी थी तो ये बच्चे जो है ना खेल रहे थे यहाँ पे ग्लव्स लेके आया था शान अली और इस तरह से निकाल के तो बच्चों को मार रहा था मैंने उसको बोला था ये जो ग्लव्स जो हैं मेरा भाई फोत हो गया था ये उसके थे तो वो शान निकाल के खेल रहा था उसके साथ सारे बच्चे लगे हुए थे

ये भाभी का रूम है ये इसकी सेफ मारी पड़ी हुई है रूम में एक बेड ही है बस और सेफ रखी हुई है चार पाई रात को बिछा लेते हैं बच्चों को सार डालने के लिए हादी होता है शान होता है और छोटा बेटा होता है उनका तो छोटे बच्चों को ना बड़े बेटे को बेड चार पाई डाल लेते हैं तो साथ में बच्चों को ले के चोर सोते हैं तो इसके साथ में ब्लॉक एंड करूंगी बच्चों ने सॉन्ग लगाया हुआ था बच्चे डांस कर रहे थे उनको बस शौक चढ़ा हुआ था तो मैं आपको मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दो याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़